हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू starkstudy.com। आज हम लोग फ्रेंड्स पढ़ने वाले क्लास टेंथ के इंग्लिश में यानी अंग्रेजी में चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें हम लोग 5 चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है आपका एक्सेप्टेंस एंड स्पीच यानी स्वीकृत भाषण। इस चैप्टर से हम लोग 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने फ्रेंड में भी शेयर कर दीजिएगा। और इसी तरह का यदि फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च कीजिएगा starkstudy.com, इस पर जाके आप बिल्कुल फ्री प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, टू विच कंट्री डज आंग सान सू की बिलोंग, यानी आंग सान सू की किस देश के रहने वाले थे, यानी किस देश से उसका संबंध था। तो ऑप्शन नंबर ए है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी है म्यांमार, ऑप्शन नंबर सी है मलेशिया, ऑप्शन नंबर डी है इंडोनेशिया। तो फ्रेंड्स आंग सान सू किंग की जो कहाँ इन कौन सा देश से बिलोंग करते थे आपका, तो इसमें हो जाएगा म्यांमार, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हेन वाज आंग सान सू की बोर्न। तो फ्रेंड्स आंग सान सू की का बोर्न यानी जन्म यानी कब हुआ था, तो क्या हो जाएगा इसमें आपका, इसमें हो जाएगा 19 जून 1945, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यानी 19 जून 1945। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि द ब्यूटी ऑफ जेन्यू ब्रदरहुड एंड पीस इज मोर डैश देन डायमंड और सिल्वर और गोल्ड, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, सच्चे भाईचारा और शांति की सुंदरता से अधिक कौन सा होता है फ्रेंड्स, डायमंड होता है या सिल्वर होता है या गोल्ड होता है, है ना। तो क्या हो जाएगा इसमें आपका, इसमें हो जाएगा प्रीसियस, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रीसियस मतलब कीमती, है ना, कीमती, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अरिस सेड डेट हिज मदर एक्सेप्ट द प्राइज इन द नेम ऑफ द बर्मा एंड नॉट हरसेल्फ। अरिस जो था, अरिस ने कहा कि उनकी माँ ने बर्मा के नाम पर पुरस्कार स्वीकृत किया, न कि खुद के लिए, है ना। तो क्या हो जाएगा इसमें आपका, इसमें हो जाएगा पीपल, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा पीपल। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आरिस फेल्ट डेट नोबल पीस प्राइज गिवेन टू आंग सान सू की वुड हेल्प द बर्मिस पीपल टू डैश देयर हेड्स ऑल लिटिल हायर, क्या होगा इसमें आपका, इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स आपका होल्ड, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि आंग सान सू की फॉट फोर डैश ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट, क्या हो जाएगा इसमें आपका, यानी आंग सान सू की ने मानवीय भावना के लिए लड़ाई लड़ी, तो किसके लिए लड़ी, है ना। तो क्या हो जाएगा इसमें आपका, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इमेंसिपेशंस, है ना, क्या हो जाएगा इमेंसिपेशंस मतलब मुक्ति के लिए लड़ी, है ना, क्या हो जाएगा मुक्ति के लिए लड़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु रिसीव्ड द नोबल प्राइज नोबल पीस प्राइज ऑन बिहाफ ऑफ आंग सान सू की, है ना। यानी फ्रेंड्स आंग सान सू की ओर से नोबल प्राइज पुरस्कार किसने प्राप्त किया, आंग सान सू की ने नोबल प्राइज प्राप्त किया, लेकिन किसने प्राप्त किया उसका, है ना। तो क्या हो जाएगा इसमें आपका, हर सन यानी उसके बेटे ने, है ना, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर ह्यूमैनिटी कांट बी बियॉन्ड टू डैश एंड वार, तो क्या होगा इसमें आपका, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेसिज्म, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू आरिस नोबल पीस प्राइज इन ऑल अबाउट द आइडियल्स ऑफ, यानी आरिस के अकॉर्डिंग जो नोबल पीस प्राइज ने लिया को किसके डील के अनुसार लिया है ना, तो क्या हो जाएगा इसमें आपका, इसमें हो जाएगा ह्यूमेनिज्म, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यानी मानवीय के लिए लिया। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आंग सान सू की स्ट्रगल वाज फोर, आंग सान सू की किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रगल किया था फ्रेंड्स, है ना, किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रगल किया था, तो क्या हो जाएगा इसमें आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और डेमोक्रेटिक बर्मा के लिए, है ना, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि आंग सान सू की वाज फाइटिंग स्ट्रगलिंग फॉर डैश इन बर्मा, तो क्या हो जाएगा इसमें आपका, इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स आपका डेमोक्रेसी, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा डेमोक्रेसी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एज पर एक्सेप्टेंस स्पीच द स्ट्रगल टेकिंग प्लेस इन रंगून वाज फॉर, क्या होगा इसमें आपका, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इमेंसिपेशन ऑफ ह्यूमन स्पिरिट फ्रॉम पॉलिटिकल ट्रेनी, है ना, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ह्यूमैनिटी कैन नो लॉन्गर बी ट्रेजिकली बॉन्ड टू द स्टेरलेस मिडनाइट ऑफ रेसिज्म एंड वार वाज सेड बाय, क्या होगा इसमें आपका, इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स आपका मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एज पर द एक्सेप्टेंस स्पीच द ब्यूटी ऑफ जेन्यू ब्रदरहुड एंड पीस इज मोर प्रीसियस देन, क्या होगा इसमें आपका, इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑल ऑफ द एबव, यानी डायमंड भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, और सिल्वर भी हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक्सेप्टेंस स्पीच वाज डिलीवर्ड ऑन दिसंबर 10 डैश, क्या होगा इसमें आपका, इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 1991, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा 1991, यानी 1991, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू द एसे एक्सेप्टेंस स्पीच व्हाट इज वर्मा लॉन्ग स्ट्रगल फॉर, यानी एक्सेप्टेंस स्पीच के एसे के अनुसार वर्मा जो था कौन चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करता था, तो क्या हो जाएगा इसमें आपका, पीस फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, है ना, शांति और स्वतंत्रता और डेमोक्रेसी के लिए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आरिस फेरमली बिलीव्ड डैट हिज मदर वुड हैव एक्सेप्टेड द प्राइज फॉर ऑल द डैश ऑफ बर्मा नॉट फॉर हरसेल्फ, है ना, तो क्या हो जाएगा इसमें, इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स आपका पीपल, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हु इज द राइटर ऑफ एक्सेप्टेंस स्पीच, एक्सेप्टेंस स्पीच का जो राइटर यानी लेखक कौन है, तो क्या हो जाएगा आंग सान सू की, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंग सान सू की। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि द नोबल पीस प्राइज वाज गिवन टू आंग सान सू की इन डैश, क्या होगा इसमें आपका, इसमें हो जाएगा 1991, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि इन द एसे एक्सेप्टेंस स्पीच अलेक्जेंडर आरिस डिलीवर्ड द स्पीच इन, क्या होगा इसमें आपका, इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ओस्लो, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हु वॉज अवार्डेड द नोबल पीस इन 1991, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा उसमें, आंग सान सू की, ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मेनी सीनियर लीडर्स हैव बीन डैश इन बर्मा,
हो जाएगा इसमें आपका, इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनकैरसीरेटेड, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि आंग सान सू की वाज जेल्ड इन, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, है ना, क्या होगा इसमें आपका, इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स आपका रंगून। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने फ्रेंड में भी शेयर कर दीजिएगा। और इसी तरह यदि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च कीजिएगा starkstudy.com। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।